बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया समर्थक विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और खुलकर बताया कि क्यों वो कमलनाथ सरकार से नाराज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वालों में वो 6 नेता भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ने बर्खास्त कर दिया है। हमेशा की तरह इमरती देवी ने साफ कर दिया कि उनकी आस्था किसी पार्टी में नहीं है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में है। इसके अलावा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इस अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की। आप मुझे बताइए, जितने मंत्री हैं, हम 2-3 सीनियर लोग खड़े हैं, क्या हमारी पात्रता उनमें किसी से भी कम है? आर वी लैकिंग मेरिट? आर वी नॉट केपेबल? हैव वी नॉट वर्क फॉर? आई विल टेल यू, आई वाज फैसिलिटेटर इन द कांग्रेस पार्टी। राहुल जी मेड अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ही पिक्ड द पीपल अक्रॉस द कंट्री, 40। आई वॉज इन चार्ज ऑफ राजा ब्रदर्स गिदरबा इलेक्शन इन पंजाब, मुक्सर, बादल डिस्ट्रिक्ट। गो आस्क देम हाउ डिड आई वर्क। आई वॉज इन चार्ज इन आम्बूर नियर चेन्नई, चिदम्बरम जी नोज। आस्क कार्ति हाउ डिड आई वर्क। I was in charge of 12 Lok Sabha constituencies in Uttar Pradesh, Western UP. Go ask Nirmal Khatri ji, how did I work? We have given our blood and sweat. This is our party. We made this party. हमने खून पसीने करके कांग्रेस को बनाया है, खून पसीने करके कांग्रेस को बनाया है। तो अब क्या जब सत्ता आ गई तो आप कुछ जेब में बैठे लोगों को मुखौटा बना के सब कुछ खुद समेट के रखेंगे? हमारे क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं करेंगे? भागीदारी कहाँ है? कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। राजपूत के मुताबिक मंत्री पद मिलने के बावजूद अफसरों से अपने काम करवा पाना मुश्किल हो रहा था। एक विधायक कोई आम आदमी नहीं होता, विधायक और मंत्री सारे बड़े मजबूत और स्वयं समझदार होते हैं, किसी के कहने से नहीं आते। ये आक्रोश एक दिन का नहीं है, ये आक्रोश पिछले 15 महीनों का है। 1.5 साल की इस सरकार में जो अपेक्षा और उम्मीद लेकर विधायक मंत्री बने थे, वो क्षेत्र की जनता को हम क्या जवाब देते? हमारे कोई काम नहीं हो रहे थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। मंत्रियों के लिए भी मैं समझता हूँ 15 मिनट अगर इतनी नान से कभी मुख्यमंत्री ने बात कर ली हो तो मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल पर हाथ रख के बताएं। हमको कोई कमलनाथ जी से बुराई नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी जब दिल्ली में थे तो बड़े अच्छे थे, पर कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने सारा बोझ अपने मुंह पर रख लिया। भाई सारा बोझ सिर पर रखे हो, सुनिए, आप काम को बांटो ना, आप मंत्रियों को आप बांटो ना। मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं, विधायक हमसे लड़ते थे, विधायक कहते आप काम नहीं कर रहे हो, हमको एक कुछ भी काम करने का अधिकार नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करते हम लोग? विधायकों की बातों से साफ है कि उनकी सरकार से नाराजगी किस हद तक थी। यही मामले सुलझा लिए गए होते तो शायद कमलनाथ सरकार को ये दिन नहीं देखना पड़ता।